2023. Let's see. Statutory compliance calendar for January 2023. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स के अंदर, देन हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में. इनकम टैक्स टीडीएस और टीसीएस लायबिलिटी डिपॉजिट तो फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022, तो उसके लिए 2022 के थ्रू दिसंबर की हमारी टीडीएस और टीसीएस को डिपॉजिट करने की लायबिलिटी है, उसकी हमारी ड्यू डेट क्या है? 7 जनवरी 2023. इनकम टैक्स टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022, तो उसके लिए हमारे पास ड्यू डेट क्या है? 14 जनवरी 2023. ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ द टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA, 194IB एंड 194M इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022. आपको पता है कि जो टीडीएस की रिटर्न की टीडीएस रिटर्न जो हमारे क्वार्टर टू की रहती है, क्वार्टर टू हमारा कौन सा बनता है? जुलाई से लेके सितंबर 2022 तक का. तो उसकी टीडीएस की ड्यू डेट हमारी कब बनती है? 31 अक्टूबर 2022 को, लेकिन वो 1 मंथ से एक्सटेंड हुई थी इस बार, तो उसकी ड्यू डेट थी हमारी 30 नवंबर 2022. तो उस केस में टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करने की डेट ड्यू डेट क्या है? 14 जनवरी 2023. कौन से सेक्शन के अंडर? 194IA, 194IB एंड 194M. नेक्स्ट, इनकम टैक्स के अंदर टीसीएस की रिटर्न. अब टीसीएस की रिटर्न हमारी कौन सी जाने वाली है? क्वार्टर थ्री. क्वार्टर थ्री हमारा कौन सा है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2022 का. तो उसकी क्वार्टरली स्टेटमेंट जो हमारी टीसीएस की है फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 31, 2022, उसके लिए हमारे पास ड्यू डेट क्या है? 15 जनवरी 2023. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर फॉर्म नंबर 15CC अक्टूबर टू दिसंबर 2022, तो उसकी भी जो क्वार्टरली स्टेटमेंट है इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन रिमिटेंस इन फॉर्म नंबर 15CC फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2022, तो उसकी भी हमारी ड्यू डेट क्या है? 15 जनवरी 2023. नेक्स्ट, इनकम टैक्स में फॉर्म नंबर 15G और H, तो ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग द फॉर्म 15G और H declarations received during the quarter ending December 2022, that is also the due date 15 January 2023. TCS सर्टिफिकेट को इशू करने की ड्यू डेट क्या है? आपको पता है सीधा सा इसका फंडा क्या रहता है? 15 डेज के अंदर जो हमारी रिटर्न की टीडीएस और टीसीएस की जो हमारी रिटर्न की ड्यू डेट रहती है उसके 15 डेज में हमें टीसीएस सर्टिफिकेट उसके 15 डेज में हमें सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं टीसीएस या टीडीएस. तो टीसीएस रिटर्न की हमारी ड्यू डेट क्या है? 15 जनवरी 2023. तो टीसीएस सर्टिफिकेट क्वार्टरली इशू करने की हमारी ड्यू डेट क्या है? 30 जनवरी 2023. नेक्स्ट, टीडीएस रिटर्न, तो ये क्वार्टर एंड हुए क्योंकि दिसंबर के अंदर हमारा अक्टूबर टू दिसंबर 2022 हमारा क्वार्टर एंडिंग है. तो क्वार्टर एंडिंग के केस में टीडीएस स्टेटमेंट जो हमारी है क्वार्टरली उसकी ड्यू डेट है 31 जनवरी 2023. नेक्स्ट, ये सब तो थी हमारे पास इनकम टैक्स के अंदर ड्यू डेट्स. अब हम डिस्कस करेंगे जीएसटी में. तो जीएसटी के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं GSTR 7. GSTR 7 हमारी क्या है? जीएसटी में जो हमारी टीडीएस की रिटर्न रहती है उसके लिए हमारे पास रहते हैं GSTR 7. तो दिसंबर 2022 के लिए उसकी हमारी ड्यू डेट क्या है? 10 जनवरी 2023. नेक्स्ट, अगर जीएसटी में हमारे पास टीसीएस की रिटर्न है दैट इज GSTR 8, तो उस केस में दिसंबर 2022 के लिए हमारे पास ड्यू डेट क्या है? 10 जनवरी 2023. अब हम बात करते हैं GSTR 1. जीएसटी के अंदर जो रिटर्न है GSTR 1, GSTR 3 भी. तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे GSTR 1. दिसंबर 2022 के लिए GSTR 1 फाइल करने की ड्यू डेट हमारी क्या है? 11 जनवरी 2023. इसके अंदर हम देखते हैं क्या लिखा है. जीएसटी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर. अगर 5 CA से ऊपर आपकी टर्नओवर है तो उस केस में तो आपके पास ड्यू डेट क्या है? 11 जनवरी 2023. एंड द रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर ऑप्टेड फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर QRM.
अगर 5 CR के ऊपर है आपके टर्नओवर तो आपकी मंथली ही रिटर्न जाएगी, दैट इज ऑन 11 जनवरी 2023 को। अगर आपके जो रिटर्न आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है, लेकिन 5 CR से कम होने के बावजूद आपने QRMP स्कीम के अंदर मंथली फाइलिंग ऑप्ट की हुई है, तो उस केस में भी आपकी 11 जनवरी 2023 है। इस केस को लेकर ना बहुत सारी क्वेरीज में आती हैं कि फर्स्ट सिचुएशन तो सबको क्लियर रहती है कि 5 CR के ऊपर टर्नओवर है तो उनकी 11 जनवरी 2023 है, लेकिन जो QRMP में जिन्होंने मंथली ऑप्ट किया हुआ उनके लिए बड़ी सारी क्वेरीज आती है कि हमारी ड्यू डेट कौन सी 11 रहेगी या 13 रहेगी। तो आपको सिंपल सा फंडा रखना है, अगर आपकी मंथली ऑप्ट किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट केस में तो आपका मंथली है, और सेकंड केस में अगर आपके टर्नओवर जो है वो 5 CR से कम है और अगर आपने मंथली ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपको 11 जनवरी 2023 तक ही अपनी GSTR1 जो है वो फाइल करनी है। नेक्स्ट, GSTR1 QRMP के अंदर फॉर द क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2022, वही जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपके टर्नओवर 5 CR से कम है और आपने QRMP में क्वार्टरली फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपकी ड्यू डेट क्या है, 13 जनवरी 2023। नेक्स्ट, GSTR6, GSTR6 किन के लिए जाती है, ISD वालों के लिए। तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, उनके लिए भी ड्यू डेट क्या रहती है, 13 जनवरी 2023, फोर्थ मंथ ऑफ दिसंबर 2022 की जो रिटर्न जाएगी। नेक्स्ट, GSTR3B जिसमें हमें टैक्स की पेमेंट करनी है, तो GSTR3B दिसंबर 2022 के लिए उसकी ड्यूटी है हमारी 20 जनवरी 2023। इसमें भी अगेन हम यही वाला पॉइंट देख लेते हैं, जीएसटी फाइलिंग ऑफ द रिटर्न्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विद एग्रीड टर्नओवर एक्सीडिंग ₹5 करोड़ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर, 5 करोड़ से ज्यादा है आपकी टर्नओवर तो आपको 20 जनवरी तक ही फाइल करनी है। रजिस्टर्ड पर्सन With aggregate turnover of less than 5 crores during the preceding year, opted for monthly filing of return under QRMP. और अगर आपकी 5 करोड़ से कम है turnover, लेकिन आपने QRMP scheme के अंदर monthly filing opt किया हुआ, तो आपको 20 जनवरी 2023 तक ही return file करनी, ठीक है? अब next, QRMP scheme के अंदर हो आप, क्योंकि आपकी turnover 5 CR से कम है, आपने QRMP स्कीम के अंदर क्वार्टरली फाइलिंग को ऑप्ट किया हुआ है, तो उस केस में आपकी दो डेट्स बनती है, 22 जनवरी 2023 या फिर 24 जनवरी 2023। तो ये आपकी स्टेट वाइज लिस्ट रहती है, कुछ स्टेट्स को उन्होंने 22 जनवरी को डाला हुआ है, कुछ स्टेट्स में उन्होंने 24 डेट डाली हुई है, तो वो जो भी आपके पास डेट्स जो भी एप्लीकेबल है स्टेट के अकॉर्डिंगली वहां पे आप कर सकते हो। तो मेनली क्या है कि आपको GSTR1 और GSTR3B बड़े ही ध्यान से फाइल करनी है, हर वीडियो जो भी हमारी जीएसटी की वीडियो आ रही है रिटर्न्स को लेके, उसके अंदर बार बार हम लोग यही कह रहे हैं, GSTR1 के अंदर जो भी आप लाइबिलिटी दिखाएंगे वही GSTR3B में लाइबिलिटी दिखा के उसी की पेमेंट करेंगे। इनकेस अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपके पास नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत सारे नए रूल्स जो है वो एप्लीकेबल हो गए हैं। अगर आपको नए रूल्स देखने हो कौन से हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हो। तो इनकम टैक्स के अंदर क्योंकि क्वार्टर खत्म हुआ है हमारा, तो टीडीएस टीसीएस के डिपॉजिट करने के साथ साथ हमारी टीसीएस के रिटर्न्स आने की भी ड्यू डेट इसमें आएगी, 15 जनवरी जो है वो टीसीएस के रिटर्न की है, 31 जनवरी हमारी कौन सी है टीडीएस के रिटर्न की ड्यू डेट से, देन उसके हमें टीसीएस के सर्टिफिकेट भी उनको 30 तक निकाल के देने हैं, और उधर से हमारी जीएसटी की डेट्स जो है वो भी है, और जीएसटी की GSTR1 GSTR3 भी, और अगर ISD है TDS है TCS है तो वो भी सारे रिटर्न्स आपको इसी में कंपाइल करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।